रुद्रपुर में महाविद्यालय में आज छात्र संघ के चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। रुद्रपुर में सरदार भगत सिंह महाविद्यालय में सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे मतदान खत्म हो गया। इस बार सबसे अधिक 7,236 छात्र और छात्राओं ने मतदान में हिस्सा लिया। वहीं दोपहर 3 बजे से मतपत्रों की काउंटिंग भी शुरू हो गई। देर रात तक मतदान के परिणाम भी आ जाएंगे। तो सुबह से शुरू हुए छात्र संघ चुनाव में छात्र छात्राओं ने मतदान को लेकर काफ़ी उत्साहित और उत्साह नजर आया। काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं मतदान करने के लिए पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के द्वारा सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। मतदान करने पहुंचे छात्र छात्राओं का कहना है कि वे ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो छात्र छात्राओं की आवाज़ को उठा सके और छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान कर सके। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आपके पौधे बढ़ते हुए अच्छा ही चाहिए जो हमारे लिए हमारे विकास में काम आया, हमारे लिए सपोर्ट में रहा है कि हाँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो हम उससे बोले कि ये काम करवाना तो वो काम भी करवाए।